देश में चुनाव को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान भी कर दिया। ऐलान के बाद बीजेपी और कांग्रेस चुनाव में और सक्रिय होने वाली हैं। इन 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी को डर है कि कहीं वो कर्नाटक जैसी हार का सामना ना करे, लेकिन अगर देखा जाए तो सभी राज्यों में कांग्रेस का पड़ला कहीं ना कहीं भारी नजर आ रहा है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन ने कारगिल के लद्दाख में हुए स्वायत्त पहाड़ी परिषदीय चुनावों में भाजपा को हरा दिया। साल 2019 में अनुच्छेद 370 रद्द होने के बाद यहां पर पहले चुनाव का आयोजन किया गया था। लद्दाख परिषदीय चुनाव के 26 सीटों के लिए मतगणना आगे बढ़ने के साथ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भाजपा को पीछे छोड़ दिया। 22 सीटों के आए चुनाव परिणामों में से कांग्रेस ने 8 और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 11 पर जीत हासिल की। वहीं भाजपा को 2 और निर्दलीय उम्मीदवार को 1 सीट मिली। फिलहाल मौजूदा परिषद की अध्यक्षता नेशनल कॉन्फ्रेंस के फिरोज अहमद खान कर रहे हैं। कांग्रेस ने चुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हाथ मिला लिया और 22 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 17 उम्मीदवार उतारे। दोनों पार्टियों ने कहा कि ये व्यवस्था उन क्षेत्रों तक सीमित है जहां भाजपा के साथ कड़ा मुकाबला है। पिछले चुनाव में 1 सीट जीतने वाली और बाद में पीडीपी के 2 पार्षदों के पार्टी में शामिल होने के बाद अपनी सीटों की संख्या 3 तक पहुंचाने वाली भाजपा ने इस बार 17 उम्मीदवार उतारे थे। आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों पर अपनी किस्मत आजमाई, जबकि 25 निर्दलीय भी मैदान में थे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कारगिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जैसी धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को जीतते देखना खुशी की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया डिजिटल।